बालोद में बीते 2 दिनों से हो रही रुक रुक करके बारिश के चलते डोंडी ब्लॉक का दिघवाड़ी नाला उफान पर है। नाले से 2 फीट ऊपर पानी बहने के बावजूद यहां के लोग जान जोखिम में डालकर नाला पर पार करने को मजबूर हैं। राहगीरों को पानी कम होने का इंतजार है, वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नाले का बढ़ा जल स्तर किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। ये तस्वीरें आप देखिए, नाले का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। जो राहगीर हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी कम हो तो वो दूसरी तरफ जा सके, लेकिन यहाँ पर लापरवाही जो है वो है प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के इस नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से ये नाला ओवरफ्लो हो रहा है, रुक रुक करके बारिश होने की वजह से नाला ऊपर ओवरफ्लो हो चुका है और यहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया तो आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। पुल के ऊपर से पानी भरा एकदम से और यहाँ दोनों तरफ से समझ जाओ बच्चे रुके हुए हैं, इधर भी बच्चे रुके हैं, उधर भी रुके हैं, शिक्षक भी लोग हैं और रुके हुए हैं, बस भी रुका हुआ है और इनके चलते परेशानी तो हो ही रही है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रहा है आने जाने में। अभी मैं डोंडी जा रहा हूँ और यहाँ पे 2 फीट लगभग पानी ऊपर से बह रहा है, जाने में बहुत सी तकलीफ हो रहा है और यहाँ पर इधर लगभग दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है, काफ़ी आने जाने में परेशान।